वीडियो शुरू होने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हिबास कॉस्मोस। आज जी मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो बहुत मज़े की है। एक तो कश्मीरी चाय में हम लोग को कहवा हर रोज़ घंटा दो घंटे लगाकर बनाना पड़ता है, लेकिन अब कहवा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरे पास एक ऐसी रेसिपी है कश्मीरी चाय की जो कहवा बनाए बगैर आप सिर्फ 15 मिनट्स में कश्मीरी चाय मज़े की तैयार। अच्छा, मैं अपने वीडियो के एंड में आज आपको बताऊंगी कि मैं कौन सी पत्ती यूज़ कर रही हूँ। शुरू में सिर्फ आप रेसिपी देखें और मज़ा लें और इसकी कलर चेक करें कि कितना अच्छा कलर आता है। सबसे पहले तो मैंने क्या किया है कि मैंने सिर्फ दूध लिया है, मैंने कोई कहवा बनाने के लिए पानी शानी कुछ नहीं रखा, मैंने सिर्फ दूध लिया है। 5 कप्स ऑफ मिल्क, खालिस दूध 5 कप लिया है बस, इसमें कोई पानी नहीं डाला, नथिंग। मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे ऑन कर दिया। अब इसके को जब तक मैं बॉईल करूँगी उस टाइम तक मैं इसके अंदर चीनी डालूँगी हसबे जायका। जितना आप लोग ज़्यादा चीनी अगर लेते हैं तो आप लोग ज़्यादा चीनी डालें, कम चीनी लेते हैं तो आप लोग कम चीनी डालें, लेकिन इसको हल्का हल्का बॉईल होने दें। पहले ये अच्छा सा बॉईल होगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि जो पत्ती की मकदार है वो हम कितनी डालेंगे। मैंने चीनी जो है हमारे, क्योंकि घर वाले चीनी इतनी तेज़ नहीं लेते, इसलिए मैंने हल्की चीनी डाली है। आप अपने मुताबिक चीनी डाल सकते हैं। हमारा दूध जो है वो अच्छी तरह बॉईल हो चुका है और चीनी इसके अंदर मिक्स हो चुकी है। अब मैं जो पत्ती डालूंगी वो इस तरह की हमारे पास पत्ती है, इसका नाम मैं आपको एट द एंड ऑफ माय वीडियो बताऊंगी ताकि आप इजीली जाके परचेज कर सकें। इस पत्ती को जैसा मैंने आपको बताया था 1 कप में 1/2 टीस्पून डालना है, तो मैंने 5 कप दूध के लिए हैं तो मैं इसके अंदर 2.5 डालूंगी, 1, 2 एंड 0.5, हाफ मीन्स। उसके बाद मैंने इसको कुछ नहीं करना, कोई फेंटना नहीं है, सिर्फ मैं हिला रही हूँ। ये देखें सर, मैं अच्छी तरह इसको मिक्स कर रही हूँ। आप ये देख रहे होंगे कि ये कलर आना शुरू हो गया है। ओनली फॉर 15 मिनट्स मैंने इसको इस तरह से हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देना है। पूरे 15 मिनट इसको पकने देने हैं, कोई फेंटना नहीं है, आप लोगों ने कुछ नहीं करना इसको, बिल्कुल इतना कि भाई उबल के बाहर ना आए, आपने हल्की आंच पे इसको छोड़ देना है कि ये पकता रहे। हल्की आंच पे जब ये पकेगा तो ये अपना कलर छोड़ देगा। अभी आपके सामने मैंने अभी पत्ती डाली थी और ये आप लोग खुद कलर चेक कर लें कि इसका कलर कितना पिंकिश जो है वो आना शुरू हो गया है। ये देखें अभी से इसने अपना पिंक कलर ले लिया है, तो ऑब्वियसली 15 मिनट्स के बाद तो बहुत मज़े का कलर आ जाएगा। व्यूअर्स, अभी सिर्फ 5 मिनट्स गुजरे हैं तो इसका कलर आप लोग चेक कर लें कितना मज़े का पिंकिश कलर आ गया है इसका। ये देखें अभी से इसका पिंकिश कलर आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी सिर्फ हालांकि 5 मिनट्स गुजरे और मैं आप बिल्कुल ये हिला नहीं रही, मैंने इसको छोड़ा हुआ है एज इट इज़। इसके अपने खुद बॉयल हो रहा है, खुद ही ये कर रहा है, मैंने कोई इसको फेंट नहीं रही, मैं कुछ नहीं कर रही इसके साथ। ये आप देख लें, मैंने इसको स्टेन किया है और कप में निकाल लिया और इसका कलर भी आप चेक करें। मैंने गार्निश अभी नहीं किया ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि बिफोर गार्निशिंग इसका कलर पिंकिश और बहुत प्यारा है। अब मैं इसके अंदर थोड़े से पिस्ता और बादाम वो ऐड करूंगी ताकि मज़ा जो है वो दुबाला हो जाए। ये चेक करें और ये टेस्ट में भी बहुत मज़े की है, ट्राई कीजिएगा। अब मैं आपको बताने लगी हूँ सीक्रेट। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वो कौन सा कश्मीरी चाय का पत्ती है जो मैं यूज़ कर रही थी इस रेसिपी में। वो है जी मुमताज़ वालों की, और ये 10 मिनट में तैयार होती है और वाकई जैसा आपने देखा कलर भी बेहतरीन था। अब इसके अंदर है क्या क्या ये मैं आप लोगों को, ये छोटा वाला पैक है, इसका बड़ा भी पैक मिलता है। ये 8 कप के लिए है, जो बड़ा वाला पैक है वो 16 कप्स के लिए भी अवेलेबल है। अच्छा, इसके अंदर है क्या क्या, इसके अंदर इसका अपनी जो पत्ती है वो है, ये पत्ती होती है जो तकरीबन एक आपने कप के लिए, एक कप दूध के लिए 1/2 चम्मच जो है वो डालनी होती है। और प्लस इसके अंदर आपको अवेलेबल है बादाम और पिस्ता ऑलरेडी जो है पिसा हुआ, जो आप गार्निशिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और है ना बेहतरीन रेसिपी, 10 मिनट में तैयार।